सर। गुड आफ्टरनून सर। काफी दिन से आपका इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार कर रहे थे जी सर, पिछले 17 मिनट से आपका वेट कर रहा है। हाँ नहीं, वो एक्चुअली यस सर, हाँ थोड़ा सा हम एक्चुअली काम में थे, तो हमने कहा था कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे आज। बाई चांस कोई बात नहीं सर, कोई कोई आ गया था बिल्कुल 257 पे समझ लो, तो उनको भगा भी नहीं सकते, तो उनको भगा भी नहीं सकते थे। तो कल की क्या स्थिति रही, पहले कल की स्थिति बताओ तो हम आज के लिए रिचार्ज हो। अरे हमने कहा कल के टॉपिक के विषय में क्या सेटिस्फेक्शन लेवल रहा, ये तो बताओ। सर अच्छा रहा? नहीं ठीक रहा कि नहीं, अच्छा तो नहीं रहा ये तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि वो हाँ क्योंकि वो इतनी कॉमन चीज है कि उस पर ना बहुत ज्यादा लिटरेचर और मैटर अवेलेबल है, और वो इतनी प्रैक्टिकल चीज है कि उसको उस ढंग के अलावा और बहुत बेटर वे में पॉसिबल नहीं था। एनीवेज मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूं। हाँ? तो आज कराना है सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग ही तो कराना है ना, यही तो है नेक्स्ट आप लोगों का। अरे मन में विचार चल रहा था सर। हाँ सर, हम कह रहे थे कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या अंतर है। ई कॉमर्स और ई बिजनेस? जी सर। अरे ई बिजनेस ई कॉमर्स का ही पार्ट है सर, लेकिन एनटीए ने जो क्वेश्चन पिछली बार पूछा था उसमें उसने दोनों ऑप्शन डाल दिए थे, ई कॉमर्स ई बिजनेस। बाद में जो है उसने ई बिजनेस को ही सही माना और ई कॉमर्स ऑप्शन को गलत कर दिया। उसमें क्वेश्चन ये था, यदि यदि जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा, ई कॉमर्स ई बिजनेस ई ट्रेड या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें उसने जो है ई बिजनेस को सही माना। अच्छा तो अब देखो ई कॉमर्स में क्या क्या करते हो आप, अब सुन लो 2 मिनट सुन लो, भी अब जितना हमें ज्ञान है उतना सुन लो। देखो जो ई कॉमर्स की एक्टिविटीज हैं उसमें हम लोग लेते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन टिकटिंग, ऑनलाइन पेमेंट, पेइंग डिफरेंट टैक्सेस, ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स जो हैं, और ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट्स, ये सारी चीजें आती हैं ई कॉमर्स में, ठीक है। और ई बिजनेस में क्या क्या होता है, ऑनलाइन स्टोर सेटअप, कस्टमर एजुकेशन, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ईमेल एक्सेट्रा, ईमेल मार्केटिंग वगैरह, ठीक है सर। तो इनके बेसिस पर आप जो है डिसाइड कर लेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। और बाकी डिफरेंसेस तो बहुत से हैं जी। जी सर, है ना। तो जब डिफरेंस ढूंढने बैठोगे तो आपको भी बहुत मिलेंगे और हम भी और बता देंगे। और बताएं सर, लेकिन एक्चुअली एनटीए ने इस तरह के ऑप्शन बनाए देते, क्वेश्चन बनाए देते हैं जिसमें जो है क्वेश्चन का जो शेड्यूल होता है और वो ऑप्शन जैसे ई कॉमर्स, ई ट्रेड या ई बिजनेस या ई मार्केटिंग, तो थोड़ा सा ये चारों वर्ड ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कम से कम मतलब जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना सर। एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड है, मगर आप जब इनका और वहां पर पर्पस क्या है, आपकी स्किल को, आपकी डीप नॉलेज को चेक करना है। जी सर, जी सर। तो इसलिए इस तरह के ऑप्शंस देते हैं। जी सर, समझे।
तो जितना डीप आपको मालूम होगा, जितना डीपली आप देखोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आंसर सेट होता है उसका। कभी कभी तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, जिसके बेसिस पर आंसर चेंज हो जाता है। ठीक ठीक है, सेटिस्फाइड है प्रताप जी? जी सर, जी सर। चलो और कुछ पूछना है कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें? आज का टॉपिक सर्विस मार्केटिंग है शायद। सर जी सर, तो आज के टॉपिक पे आए सर, आइए सर। चलिए, देखिए मॉडर्न डेज में अभी भी हम लोगों ने जितने मार्केटिंग में टॉपिक पढ़े, हर चीज में हम लोग बराबर बात कर रहे थे, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यही तो बोल रहे थे ना पिछली। हाँ, तो इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वन टर्म, प्रोडक्ट। सर्विसेज इसमें बाद में ऐड हुआ, और सबसे पहले ये ऐड हुआ था इन डेवलप्ड कंट्रीज। लाइक अमेरिका, यूके एंड सो ऑन। इंडिया में इसकी स्टार्टिंग हुई, आप ये समझ लो, इन 1990s, और फिर धीरे धीरे ये सर्विस सेक्टर आपका ग्रो हुआ आफ्टर माने 1990, और उसके बाद 90 से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद बराबर ग्रोथ इसमें। आप अगर देखें आप लोग, तो आप लोग भी पढ़ते होंगे, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसी तरह से एक सर्विस सेक्टर भी है। और पिछले कई वर्षों में जैसे आपने देखा हो, होता था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी है, मगर उसमें देखा, उनमें बताया गया कि मेजर सेक्टर, उसमें मेजर पार्ट जो है वो सर्विस सेक्टर का है, मेजर शेयर जो है वो सर्विस सेक्टर का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नहीं है, कम है, एग्रीकल्चरल सेक्टर का कम है। तो ये सर्विस भी एक सेपरेट सेक्टर हो गया है एट प्रेजेंट। ठीक, एंड नाउ इट इज, we are witnessing a rising trend in this sector, which is sure to increase the heat of competition even, which is bound to be intense and severe. मने competition बढ़ेगा और पक्का बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, और सघन प्रतियोगिता आएगी, इंटेंस होगा, ये सीवियर होगा। तो अगर आप देखें तो जो फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो फ्यूचर मार्केटिंग में वो मेजर पार्ट्स आपका सर्विस मार्केटिंग का हो जाएगा इन प्लेस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग। इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज बीइंग अज्यूम्ड, राइट? सो इफ वी टॉक ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज सर्विसेज, व्हाट आर सर्विसेज, सर्विसेज क्या है? एक्चुअली डिफरेंट एसोसिएशंस, डिफरेंट ऑथर्स हैव गिवन डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। एक्चुअली इन 1960 अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंड दिस वर्ड सर्विसेज एज विद इन इन्वर्टेड कॉमा, इफ यू वांट नोट डाउन, एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ
गुड्स, मैंने इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लिया है, प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद और कई ऑथर्स हुए जिन्होंने डिफरेंट टाइम्स पर अपने डिफरेंट व्यूज दिए। एक्चुअली एक ऑथर है मिस्टर केजे ब्लोइस, BLOIS, केजे ब्लोइस। एक्चुअली ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज इन हिज आर्टिकल, आर्टिकल का नाम क्या था, द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेस। और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था इन यूरोपियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग, इन यूरोपियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग। तो उन्होंने डिफाइन किया सर्विसेज को कि सर्विस इज एन एक्टिविटी, सर्विस इज एन एक्टिविटी ऑफर्ड फॉर सेल विच यील्ड्स बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शंस विदाउट लीडिंग टू अ फिजिकल चेंज इन द फॉर्म ऑफ गुड। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और जैसा हमने बताया था एक नाम फर्स्ट डे फिलिप कोटलर को हम लोग मार्केटिंग का जनक कहा जाता है, तो उनके व्यूज ही सामने आए 1984 और बुक का नाम था मार्केटिंग ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। बुक का नाम था मार्केटिंग ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। तो उसमें उन्होंने बताया कि सर्विसेज क्या होती है, तो उन्होंने बताया कि सर्विसेज क्या होती हैं कि एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज इसेंशियली इनटेंजिबल, दैट इज इसेंशियली इनटेंजिबल। सर्विस इंटेंजिबल फॉर्म में ही होगी, टेंजिबल नहीं होगी। इज इसेंशियली इनटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब अनटचेबल, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। मैंने फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं होगा, फिजिकल कुछ नहीं दिया जाएगा, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी नहीं होगी इसमें, ठीक है। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट, इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सर्विसेज के विषय में कुछ समझ में आया, कुछ चीजें सामने आई कि इंटेंजिबल होगा, किसी फिजिकल प्रोडक्ट से संबंधित हो सकता है या संबंधित नहीं भी हो सकता है। कि फिजिकली कोई तो, हाँ बोलिए 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 बोलिए, यस प्लीज बोलिए बेटा, भैया बोलो। ठीक है सर, समझ में आ गया। मीन्स फिजिकली कोई प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड सर्विस हो सकती है, वो आफ्टर सेल सर्विस हो जाएगी। बहुत सी सर्विसेज ऐसी होंगी जो किसी फिजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होंगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे हो गई आपकी, समझ गए।
अब देखिए फिर पार्ट आपका पार्ट है इसमें, तो डेफिनेशन ये हो गई आपकी। तो ये सारी डेफिनेशंस क्या करती हैं, इन सारी डेफिनेशंस ने आपको सर्विसेज के फीचर्स, सिग्निफिकेंस, इनके सबके विषय में आपको बताया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के विषय में भी आपको बताया कि इंटेंजिबल होती हैं इस तरह से। अब देखिए फिर एक पार्ट और है आप लोगों के इसमें कि डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, माने प्रोडक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, डिफरेंशिएट करना, आई थिंक है आप लोगों के इसमें, है ना? यस सर है। हाँ तो प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, तो देखिए एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम लोग इनको जो है डिफरेंशिएशन करेंगे इनमें। तो जैसे हो गया पहला है कि टेंजिबिलिटी वर्सेस इनटेंजिबिलिटी, जैसे अभी फिलिप कोटलर वाली डेफिनेशन में हमने बताया था ना कि इसेंशियली इनटेंजिबल, तो प्रोडक्ट और सर्विस में टेंजिबिलिटी वर्सेस इनटेंजिबिलिटी इसके बेसिस पर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पाएंगे कि प्रोडक्ट्स आर ऑल फिजिकल प्रोडक्ट्स जिन विच हैव अ डेफिनेट कॉन्फिगरेशन एंड अपेरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड, टेस्टेड, जिनको हम छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के संबंध में ये चीजें कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं, इसका मतलब दे आर टेंजिबल। हाँ कोई भी चीज एग्जांपल ले लो, जबकि सर्विसेज के संबंध में क्या होगा, सर्विसेज भी दो अ प्रोडक्ट बट डोंट हैव एनी फिजिकल कॉन्फिगरेशन। जैसे मान लो आपकी बैंकिंग सर्विसेज हो गई, मैसेजिंग सर्विसेज हो गए, टिकटिंग हो गई एंड सो ऑन। तो सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। क्लियर? क्लियर? यस सर। देन सेकेंड पॉइंट इसी में, सेकेंड एस्पेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस के बीच में डिफरेंशिएशन का, होमोजेनिटी वर्सेस हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी होमोजेनिटी वर्सेस हेटेरोजेनिटी। तो देखिए फिजिकल प्रोडक्ट्स आर होमोजेनस इन मेनी रिस्पेक्ट्स, ठीक है, मीन्स इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन फ्रॉम अदर। मगर यदि आप सर्विसेज की बात कर लें, सर्विसेज अगर एज ए प्रोडक्ट आप देखेंगे तो has no homogeneity, it has the outstanding attribute of heterogeneity। तो इस तरह से अगर आप देखें कि number of teachers, doctors, lawyers, barbers, bankers, hairdressers, tailors, ये सब सर्विसेज दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट्स। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो कि मान लीजिए कि आप किसी एक नामी ग्रामी वकील का नाम बताइए देश में। राम जेठ मलानी।
राम जेठमलानी, ठीक। अब राम जेठमलानी अभी जीवित है कि नहीं? नहीं सर। नहीं है, अच्छा। तो राम जेठमलानी से भी एक सीनियर प्रैक्टिशनर थे, लॉयर, एमिनेंट लॉयर, नाना पालकी वाला, नाम सुना है? नाम सुना नहीं? नो सर, नहीं सुना। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये दोनों लोग तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, इन्हीं के सुकच अगर कोई मान लीजिए प्रैक्टिशनर है, आप उससे कोई कानूनी सलाह लेने जाएंगे तो उसके चार्जेस ज्यादा होंगे। और यहां पर सिंपल अपने घर के आसपास रहने वाले किसी वकील से बात करेंगे तो उसके चार्जेस कम होंगे, राइट? माने रेट्स का वेरिएशन होता, समझ गए ना? यही चीज, यही चीज डॉक्टर्स के केस में है, डॉक्टर्स के केस में भी यही चीज मान लो, या आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं या अपने घर के पास के किसी डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं, हाँ? और अगर एक्सेप्ट करो आप लोग, तो यही चीज टीचर्स के लिए भी है, यही चीज टीचर्स के लिए भी लागू हो जाती है, ठीक। तो होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी। देन नेक्स्ट इज सेपरेशन वर्सेस सेपरेशन वर्सेस सिमुलटेनेटली, सिमुलटेनेटी, सॉरी, देखिए इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर सेपरेटेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ कंजम्पशन। यहां पर सेपरेशन कर सकते हैं एक्टिविटीज का, बट इन केस ऑफ सर्विसेज हम लोग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें एक ही जगह पर हैपन होंगी, ये तीनों चीजें एक ही जगह पर घटित होंगी, जबकि फिजिकल प्रोडक्ट के संबंध में ये चीजें अलग अलग जगहों पर घटित होंगी। प्रोडक्शन प्लेस अलग होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग जगह पर पहुंचेंगी, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन माने कस्टमर्स तक पहुंच करके फिर कस्टमर कंजम्पशन करे, तो दैट विल टाइम टेकिंग प्रोसेस आल्सो। मगर सर्विस के सेक्टर में, सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है। देन एंटिटी वर्सेस एक्टिविटी, एंटिटी वर्सेस एक्टिविटी। एक्चुअली अ फिजिकल प्रोडक्ट इज अ थिंग, अ कमोडिटी which has physical identity and recognition, ठीक है? A product might be the result of an activity or set of activities. Product might be the result of an activity or set of activities, ठीक है? But product itself is not activity. But product
इटसेल्फ इज नॉट एन एक्टिविटी, ठीक। जबकि दूसरी तरफ यदि आप सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट इज एन एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज और अ प्रोसेस। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? एंटिटी वर्सेस एक्टिविटी। यस सर। ओके, देन नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री प्रोडक्शन वर्सेस इंटरैक्शन प्रोडक्शन। फैक्ट्री प्रोडक्शन वर्सेस इंटरैक्शन प्रोडक्शन, हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा कि फिजिकल प्रोडक्ट्स कहाँ मैन्युफैक्चर होंगे? फैक्ट्री में, ठीक है, जहां पर कि एक टेक्निकल प्रोडक्शन यूनिट होगी। डिफरेंट थिंग्स विल बी यूज्ड एज इनपुट्स, मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा, देन वी विल गेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। आउटपुट भी मिलेगा, हो सकता है वेस्ट भी मिले, माने वो वेस्ट भी प्योर वेस्ट हो सकता है या स्क्रैप हो सकता है। इन केस ऑफ सर्विसेस तो इट इज पॉसिबल विद एवरी बायर एंड सेलर, माने सर्विसेस कब दी जाएंगी? पॉसिबल only when there is interaction of buyer and seller. That is the core value is produced in buyer-seller interactions. Means, or it is, his service is not manufactured or produced in a factory. No technical unit is required. साथ ही साथ इनपुट्स भी नहीं कि मटेरियल भी लग रहा, मैन भी लग रहा, मशीन भी लग रहा है, समझ रहे ना? तो सर्विसेज में इन सब चीजों के इनपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरेक्शन से ही प्रोडक्शन होगा। देन कस्टमर पार्टिसिपेशन वर्सेस नॉन पार्टिसिपेशन, कस्टमर पार्टिसिपेशन वर्सेस non-participation. Actually, in manufacturing a physical product, the customer do not participate in the production process. Am I right? Am I right? Physical product ke production mein customer ka koi participation hota hai in production process? No, sir. नहीं होता है। यही तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बता रहे हैं, कस्टमर पार्टिसिपेशन वर्सेस नॉन पार्टिसिपेशन। मतलब प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है, एंड दे देमसेल्फ डोंट कंज्यूम ऑल द प्रोडक्शन। क्या होगा? फिजिकल प्रोडक्ट के केस में कस्टमर्स विल कंज्यूम द प्रोडक्ट, और कब कंज्यूम करेंगे? व्हेन दे आर अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, व्हेन दीज फिजिकल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, तभी उनका कंजम्पशन होगा। सर्विसेज के केस में क्या होगा कि कस्टमर्स मस्ट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू कंज्यूम अ सर्विस। समझ गए? मीन्स व्हेन टू कंज्यूम अ सर्विस,
सर्विस बायर और अ कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द सर्विस सेलर. जैसे आप लोग अभी हम लोग क्लास के फॉर्म में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बोलो. यस सर. आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज. यस सर. यू पीपल आर कंज्यूमर. यस सर. हाँ, तो योर प्रेजेंस हियर इन द क्लासरूम या इन द मीटिंग रूम या इन द चैट रूम, जो भी प्रेजेंट टाइम में हम लोग कह सकते हैं ऑनलाइन लैंग्वेज में, is must and not only physical presence but mentally and physically both, and cooperate willingly with the communicator, means with the teacher, means with the speaker, anything you people may say. समझ में आई बात? बोलो. यस सर. इसी तरह से अगर आप बार्बर शॉप में जाते हो या ब्यूटी पार्लर में जाते हो, तो वहां पर जो भी, मान लीजिए आप हेयर कट करा रहे हैं, हेयर डाइंग करा रहे हैं, तो वो बार्बर थोड़ा ही करेगा, बार्बर थोड़ा ही कहेगा कि आप ये करवा लो. कमांड कौन देगा? कस्टमर देगा कि आप ये हम हमारा ये काम कर दीजिए. कुछ कह रही सालिनी जी? नो सर. नहीं, हमारी बात समझ में नहीं आ रही जो हम कह रहे हैं. क्लियर नहीं हो रहा है? क्लियर है सर. हम डिस्टिंक्शन बता रहे हैं. देन स्टॉकिंग वर्सेस नॉन स्टॉकिंग, कि फिजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक till they are sold, yeah, till the seller wants to sell. Means there is less danger or no danger of loss. On the contrary, services cannot be stocked. Services ka stock kar sakte hain? सर्विसेज का स्टॉक कर सकते हैं? नहीं सर. तो सर्विसेज कैनॉट बी स्टॉक्ड. क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ यूनिक केस ऑफ परफेक्ट मैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मैंने जब डिमांड होगी सर्विसेज की, तभी उनका प्रोडक्शन होगा, तभी उनकी सप्लाई होगी. That means, अगर फिर इसको आप रिवर्स करके बोले तो सप्लाई इज देयर ओनली वेन देयर इज डिमांड. सप्लाई ही तब होगी जबकि डिमांड होगी. ठीक. तो जब स्टॉक ही नहीं होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं होगा सर्विसेस का. समझ में आ गई बात? देन ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप. ट्रांसफरेबिलिटी एंड नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप. तो फिजिकल प्रोडक्ट्स में तो फिजिकल ओनरशिप या टाइटल ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर. ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, भले ही फिजिकल चेंज ट्रांसफर, माने फिजिकल चेंज या फिजिकल पोजीशन ना हो,
बट ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। तो क्या होगा कि ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम सेलर टू बायर। अच्छा, सर्विसेज के केस में जस्ट अपोजिट होगा क्या, कि यहां पर कोई भी ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होगी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। सर्विसेज की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? नो सर, नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज सर्विसिबिलिटी जो होती है इसको हम लोग ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर, दैट मींस सर्विस प्रोवाइडर टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर ऑफ सर्विस। समझ आ गई बात? हो गए कुछ? हो गए 6-7-8 पॉइंट? हो गए नहीं हो गए? कुछ पॉइंट्स हो गए? कितने हो गए डिफरेंस? 7 पॉइंट्स हो गए सर। 8 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, तो 8 पॉइंट्स बहुत है, और कराएं? 8 सफिशियंट है? हाँ सर। चलो ठीक। अब देखिए फिर पार्ट आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेस, है ना? नहीं है? है सर, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेस। तो देखिए, जैसा पहले भी हमने कई बार आप लोगों को बताया कि सर्विस क्या है, इज एन एक्टिविटी विच हैज सम एलिमेंट्स ऑफ इनटेंजिबिलिटी एसोसिएटेड विद इट, ठीक, विच इन्वॉल्व्स सम इंटरेक्शन। देखिए दो चीजें बहुत खुल के सामने आ रही हैं, इंटेंजिबिलिटी और इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। समझ में आई बात ना? दो चीजें आज तीसरी चौथी बार हम बोल रहे हैं ना सर्विसेज के संबंध में। Yes, तो अ सर्विस इज एन एक्टिविटी विच हैज सम एलिमेंट ऑफ इंटेंजिबिलिटी एसोसिएटेड विद इट, विच इन्वॉल्व्स सम इंटरेक्शन विद कस्टमर्स और विद प्रॉपर्टी इन देयर पोजेशन एंड डज नॉट रिजल्ट इन अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तीन मेन चीजें आ गई, इंटेंजिबिलिटी, इंटरेक्शन विद कस्टमर और नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। मेन ये तीन चीजें हो गई, नहीं हो गई? अच्छा, और पीछे जो हमने बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बताए तो वहां पर हम साइमल्टेनियसली आपको प्रोडक्ट का और सर्विसेज का साइमल्टेनियसली बताते जा रहे थे, बता रहे थे ना कि स्टॉकिंग नॉन स्टॉकिंग। तो उन्हीं में से पॉइंट्स आ जाएंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि कैरेक्टरिस्टिक में नॉन स्टॉकिंग नेचर है इसका, ठीक। तो पहला नेचर या पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल। Should it be explained? No, sir. Services are heterogeneous. ये भी बताया था। बोलो। जी सर। है ना, सेकेंड पॉइंट आई थिंक यही बताया था। Services are inseparable, services are perishable, माने long life नहीं होती, ठीक है? क्योंकि पेरिशेबल होती हैं, लंबी लाइफ नहीं होती है, तो इसलिए इनको हम
प्रोड्यूस करके वो बहुत लंबे समय तक स्टॉक के रूप में नहीं रख सकते, वो बताया ही था पहले कि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी स्टॉक्ड, बताया था ना। देन सर्विसेज आर ससेप्टेबल टू चेंजिंग डिमांड, माने बहुत फ्लक्चुएशन होता है इनकी डिमांड। और वो जो डिमांड में फ्लक्चुएशन होता है वो सीजनल हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है या आर्ली हो सकता है। सर ऐसा तो प्रोडक्ट में भी हो सकता है। हाँ प्रोडक्ट में भी तो ऐसा हो सकता है। कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे जैसे स्वेटर हुआ, वुलन क्लॉथ हुआ। हाँ जैसे विंटर के जो क्लॉथ्स हुए वो तो सीजन में ही डिमांड किए जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसी तरह से कि आपकी एसी और कूलर की सर्विसिंग है, ये गर्मियों में ही डिमांड होगी। ठीक है ना। ऑफ सीजन, पीक सीजन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कभी कभी जाते हो रोड पे ज्यादा ट्रांसपोर्ट मिलता है, आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है या बिल्कुल रश चल रहा है उस पे। और अब तो खैर ये संभव माने पॉसिबल नहीं है, मगर कुछ दिनों पहले तक ये होता था या अभी भी कभी कभी हो जाता है। टेलीफोन सर्विसेज में कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। बोलो। जी सर। टूरिज्म में भी होता है कि सीजनल टूरिज्म होता है। कि गर्मियों में आप ठंडी जगहों पर घूमने जाना पसंद करेंगे, गर्मियों में गर्म जगह पर घूमने जाना पसंद नहीं करेंगे। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में ही डिमांड में आएंगी। ठीक है। ठीक है, समझ में आया। देन एक और चीज है, वो है सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू स्पेशल प्राइसिंग टैक्टिक्स। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू स्पेशल प्राइसिंग टैक्टिक्स। मैंने पेरिशेबिलिटी, फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड इनसेपरेटेबिलिटी, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि प्राइसिंग में रोल प्ले करती है। मीन्स कंज्यूमर्स जो हैं ने पोस्टपोन परचेजेस या ये कह लो कि तो हायर सम सर्विसेज, वो खुद ही वो सर्विसेज अपने माने कुछ काम जो काम वो खुद कर सकते हैं उस काम के लिए सर्विसेज न लेकर के वो खुद वो काम कर लेना ज्यादा बेटर समझते हैं। ठीक। और कुछ सर्विसेज में क्या होता है कि कंपटीशन जो होता है वो सेकेंडरी रोल प्ले करता है। और सर्विसेज के केस में एक चीज और है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी फुली स्टैंडर्डाइज्ड। सर्विसेज का स्टैंडर्ड नहीं फिक्स कर सकते। ठीक।
तो इनकी प्राइसिंग में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। समझ रहे हैं? नॉर्मली जो प्राइसेस हैं वो माने सेटल होते हैं या डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड कंपटीशन। ठीक, वेरिएबल प्राइसिंग पॉलिसी भी अपनाई जा सकती है, डिस्काउंट्स दिए जा सकते हैं। सर्विसेज में डिस्काउंट सुना है? जी सर। कहाँ कहाँ? सर टीचिंग लाइन में सुना हुआ है। टीचिंग में डिस्काउंट की कोचिंग में डिस्काउंट? कोचिंग, हाँ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो कोर्सेज पर डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है आप। इसी तरह से इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, होटल सर्विसेज हैं, ठीक है ना, तो यहां पर डिस्काउंटिंग अप्लाई हो सकती है। अब देखिए इसकी फास्टर ग्रोथ, इस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की फास्टर ग्रोथ किन चीजों से प्रभावित होती है या किन चीजों से प्रभावित होगी या हो रही है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को? एक्चुअली ये मान के चलिए कि अराउंड 1980s सर्विस मार्केटिंग स्टार्टेड अट्रैक्टिंग द अटेंशन। And surprisingly, it got a rapid growth in the service sector from 1990s, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। अच्छा, इन चीजों को आप जोड़ के उन चीजों से भी, उस चीज से भी देख सकते हो कि इंडिया में मार्केटिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है या फ्यूचर क्या है या उसकी ग्रोथ की क्या स्थिति है। ये भी पॉइंट है आपके इसमें, है ना यूनिट में? अरे ये भी पॉइंट आपकी यूनिट में है ना? जी सर। तो इसी से कनेक्ट करते हुए ही हम उसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो इसमें एक पहला जैसे रीजन आप ले सकते हैं कि मोर डिस्पोजेबल इनकम एट कस्टमर्स कमांड। देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, मीन्स इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, तो लोगों के खर्च करने का अंदाज भी बदल रहा है। और अर्न करना है मीन्स ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो क्या हो रहा है कि उनका मेजॉरिटी ऑफ टाइम अर्निंग में जा रहा है। तो फिर वो अपने काम के लिए सर्विसेज हायर कर रहे हैं। मीन्स दे मीन्स पीपुल आर गेटिंग लेसर आवर्स फॉर वर्क, फॉर ओन वर्क, फॉर पर्सनल वर्क, बट दे हैव मोर टू पे, दे हैव मोर इन देयर पॉकेट्स टू पे फॉर दैट।
समझ में आई बात कि नहीं, बोलो भाई, नहीं समझ में आई, बोलो। अरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो भाई? आशीष जी, आशीष जी, यस सर, अरे हमारी बात सुन रहे हैं कि कोई कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा भाई? सर सुन रहे हैं। अरे सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्ड भी तो होना चाहिए भाई, आप लोग रिस्पॉन्स भी करो, हमको रिस्पॉन्स भी दो, हमें भी तो समझ। मुझे लग रहा है कि सब लोग ब्लैंक हो गए, सब लोगों ने माइक ऑफ किया, कैमरा ऑफ किया, रख दिया और पढ़ के सो गए। नो सर, नहीं सर ऐसा नहीं। अरे ऐसा नहीं तो हम पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो क्या वन साइड वन वे कम्युनिकेशन चलेगा? नहीं सर, सब लोग वेट कर रहे थे कि कोई अभी बोलेगा। समझ नहीं आ रहा है सर, प्यार कर रहे थे। कोई गलत चीज है ना? यस सर, आप फोन करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? मोर डिस्पोजेबल इनकम एट कस्टमर्स कमांड। यस सर, समझ में आया। यानी परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़ रही है और लोग खर्च करने के लिए उत्सुक भी हो रहे हैं, और परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं तो उन्हें अपने कामों के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो अपने काम कराने के लिए हायर कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। यस सर, ठीक। Then secondly, increased scope for industrial specialization. Increased scope for industrial specialization. The majority of industrial units are readily willing to buy specialized services from service organizations. जैसे कि इंस्टेड ऑफ हैविंग ओन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अपनी खुद का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाने से अच्छा है कि हम उस काम, किसी चीज को बने या मशीनरी या कुछ भी है उसको मेंटेन करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है हम उसको हायर कर ले। एक कॉन्सेप्ट चलता है ना AMC, सुना है? सब में सुना होगा। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सुना है ना? यस सर। हाँ यस सर, सुने हैं। हाँ तो AMC क्या है? AMC क्यों कराते हैं कि भाई हमें उसको मेंटेन करने का, मेरे पास सरदर्द ना रहे, हमने AMC करा ली, पेमेंट कर दिया, अब उस सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज का मेंटेनेंस करे, ठीक है? जी सर। और इसका असर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज फाइंड इट इकोनॉमिकल एंड कंफर्टेबल टू इंप्लॉय द मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर। साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो और भी सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई, मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज हो गई, हाँ कंप्यूटर सर्विसेज हो गए, प्रमोशनल कंपनीज हो गई, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो गए, माने वो ये सब चीजें सर्विसेज लेना पसंद कर रहे हैं, प्रिफर कर रहे हैं देन टू मेंटेन और हैव ओन सेटअप फॉर ऑल दीज थिंग्स। समझ आ गई बात ना? यस सर। जैसे एक चीज हमें समझ अभी अभी जस्ट मेरे माइंड में स्ट्राइक की कि जो कंपनीज हैं, अब मान लीजिए उनको किसी एक टाइम पर या हफ्ते में एक दिन या दिन में एक दो लोगों को, या मैंने देयर इज वेरी लेस यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और
मार्केटिंग और सर आपकी माइक ऑफ हो गई। तो कंपनीज या हम और आप भी आप मान के चलो कि बहुत ज्यादा अगर यूज नहीं है तो हम लोग कार खरीदें और रखें मेंटेन करें, या बेटर है कि हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ओला है उबर है हम इनकी सेवाएं ले लें, ठीक है ना। देन एवर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोफिस्टिकेशन इन द जॉब्स नीडेड, एक्चुअली आप देखें कि नाउडेज जॉब्स हैव टर्न्ड या जॉब्स हैव बिकम कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड, पीपल हैव रियली अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट मेड द पीपल टू बिलीव इन स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेस। ठीक है, तो इट रियली पेज टू गेट रेंडर्ड द सर्विस दैट हेल्पिंग देमसेल्व्स। जैसे आप देखें कि आप सेल्फ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तैयारी करें, सब करें, या जो रिटर्न प्रिपेयरर्स हैं या जो कंसल्टेंट्स हैं जो कि रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आपने उनको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, डिटेल्स दे दी, उन्होंने अपना आपका रिटर्न प्रिपेयर किया, फाइल कर दिया। अब आप खुद अपने अकाउंट्स मेंटेन करें, ये करें, या आपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया कि ठीक है आप अकाउंट्स मेंटेन करिए। अब प्रेजेंट टाइम पर इसमें भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्यूटर है, टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो सब चीजें चेंज हो रही हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई। जैसे आप और देखें कि जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो सिंपल अब शॉपिंग सेंटर नहीं रह गए, मोर देन दैट मैंने कल्चरल रिक्रिएशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखो भाई तो एक अपने यहाँ बहुत अच्छा मॉल है बड़े चौराहे पे, तो उसमें तो बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं, तो बहुत लोग अपना सेल्फी लेने के लिए वहां चले जाते हैं। जेड स्क्वायर मॉल है ना सर? हाँ, तो बहुत लोग जेड स्क्वायर में चाहे कुछ खरीदना हो ना चाहे ना खरीदना हो, समय बेसमय अपना घूमने या टाइम पास करने या सेल्फी लेने चले जाते हैं, जब जब लगा कोई ओकेजन है वहां चेंज हुई होंगी चीजें। क्लास खत्म होने के बाद गए हम जी, क्लास खत्म होने के बाद गए थे। आज जाएंगे? नहीं सर, अभी तो कानपुर में नहीं है, अब आएंगे तब जाएंगे, एक बार गए थे। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ से हैं इस समय? सर हम गोरखपुर से हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो हम जैसे चलो कानपुर का एग्जांपल दे रहे हैं, पहले गोरखपुर में भी मॉल्स होंगे? यस सर, हैं बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, तो वहां पर भी आप किसी भी मॉल्स में देखें। हमारा एक पर्पस कानपुर या जेड स्क्वायर की बात करना नहीं था, मॉल्स की बात थी। तो जरूरी नहीं है कि वहां पर लोग सिर्फ शॉपिंग करने ही जाएं, मॉल्स में खाने पीने का भी अरेंजमेंट होता है, गेम्स भी होते हैं, रिक्रिएशनल मींस अदर देन शॉपिंग दूसरी चीजें भी होती हैं, ये कहने का पर्पस है। जैसे गर्मियों में एसी की हवा खाने चले जाते थे दोपहर में, बहुत बहुत लोग जाते हैं, हम तो ये कहेंगे कि जाते हैं बहुत, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स लाइफ। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है,
अच्छा और प्रेजेंट टाइम में ही क्या पुराने समय से ही, और बहुत लोगों से सिद्धांत रहता है जिसे नहीं वो कहते हैं वो क्या, कर्ज लो घी पियो, सुना है ना ये कहावत, हिंदी वाली सुनी है क्या सर? नहीं सर, नहीं सर सुने। कर्ज लो घी पियो, कर्ज लेकर घी पियो, घी पियो नहीं सर। अरे घी पियो वाली बात सुनी है, घी पियो का मतलब ये हो गया कि भाई देसी घी को सबसे अच्छा घी समझा जाता है। हाँ तो अब हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इससे मतलब नहीं है, हम चाहे कर्ज लें मगर हम देसी घी ही खाएंगे और देसी घी के अलावा कुछ नहीं। तो ये तो एक तरह से चलो हमने कमेंट करने के लिए कोई चीज कही, but it's obvious on and we all are seeing, we all are finding it कि लोगों के attitude में change आ रहा है towards life, और ये कहा भी जाता है present में जियो, भूतकाल बीत गया, भविष्य आएगा कि नहीं आएगा नहीं मालूम, तो present में आप अपनी life lead करिए। और एक समय था या अभी भी बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये तो सुना होगा। यस सर ये सुना है, ये सुना है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब इसके भी बहुत सारे अर्थ हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना, तो उसके चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मीन्स आज अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो पीपुल आर हैविंग न्यू एवेन्यूज ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग के नए नए साधन भी लोगों को मिल रहे हैं, एंड ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, समटाइम्स कंपटीशन की भावना आ जाने के कारण या स्टेटस कॉन्शियसनेस के कारण, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं, होता है ना कि पड़ोसी के यहाँ अगर जो है ये चीज आई तो हमारे यहाँ ये क्यों नहीं आई, हम उससे अच्छी लाएंगे उससे बड़ी लाएंगे। फिर एक स्टेटस कॉन्शियसनेस की भी चीज हो गई, भाई हमारा भी समाज में स्थान है, हम अपने स्थान के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए आशीष जी, जी सर, आप मान लो गोरखपुर से कानपुर आए, जी सर, तो हम काहे ट्रेन से आएंगे, अगर प्लेन सर्विस अवेलेबल है तो प्लेन से आएंगे। हाँ सर, फिर अब इस अब जब प्लेन से आए हैं तो अब इस माने जो भी एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है या बस स्टेशन है वहां से अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो हम फिर वो ई रिक्शा में काहे जाएं। हाँ सर, ओला कर लेंगे हम, ओला कर लेंगे और ओला भी अच्छी वाली करेंगे, प्रीमियम क्वालिटी वाली, सड़ी क्वालिटी वाली ओला नहीं करेंगे। जी सर। अच्छा, जब उतनी दूर जाएंगे वो ओला से जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ खाएंगे भी। हाँ सर बिल्कुल। और जब हम खाएंगे तो ड्राइवर को क्यों नहीं खिलाएंगे भाई, नहीं तो क्या स्टेटस ही है। हाँ स्टेटस है, और फिर उसके बाद जब उतरे तो उसको किराया दिया जो उसका बना, और साथ में उसको जो है 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए टिप के लिए, स्टेटस। यस, ध्यान रखना आशीष जी, स्टेटस। जी सर याद। तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी आदमी बहुत सारे खर्चे कर देता है, स्टेटस कॉन्शियसनेस जिसको हमने बोला। ठीक, और एक और रीजन है। यस, कुछ बोल रहे हैं आप, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर बस, नहीं नहीं सर आप। ओके ओके, एंड अनदर रीजन इज आल्सो देयर कि विद एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ फंटेस्टिक, मैंने एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ फंटेस्टिक मेडिसिन एंड सर्जरी,
डॉक्टरी फील्ड की बात कर लो, तो मोर एंड मोर न्यू एंड अनआइडेंटिफाइबल एंड डेथ डिजीजेस ये भी बढ़ रही है, जैसे कोरोना ही चल रहा है। बोलो जी सर। तो कोरोना के कारण भी जब पहली लहर थी तो ये था पता नहीं कोरोना हो गया तो पता नहीं जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, और बहुत लोगों ने कोरोना का जरा भी लक्षण हुआ और पक्का है कोरोना हुआ कि नहीं हुआ क्या हुआ वो पहुंच गए सीधे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी एक के चार पैसे खर्च हो जाए चाहे जो हो जाए हमें इस हॉस्पिटल में जाना है, इस कैटेगरी का रूम लेके वहां पर रहना है, और फिर उसके बाद पता चला कि जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उतने लोगों में डेथ रेट ज्यादा थी, जिन्होंने घर में कायदे से संयम संयम से और कंट्रोल करते हुए अपने आप को देखा, और जो भी आपका फैमिली डॉक्टर था उसकी एडवाइस लेते हुए सारा काम किया, वहां पर डेथ रेट नहीं था या बहुत कम था। तो ऐसे कारण और ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं कि सिर्फ स्टेटस सिंबल के कारण भी हम लोग बहुत से खर्चे कर जाते हैं। अच्छा, और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाते हुए जो भी मार्केटिंग कंपनीज हैं वो भी बहुत रिवोल्यूशनरी चेंजेस ला रही हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, तो आपने सुना होगा खूब जगह एंजॉय नाउ पे लेटर, आज लो यूज करो बाद में पेमेंट करते रहना, माने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते रहना हमको। Got it, समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब देखो फिर एक चीज है आप लोगों की इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेस है ना। यस सर। हाँ, दो मिनट का हम रेस्ट ले रहे हैं जरा, फिर आगे कराते हैं।
हाँ, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के विषय में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। तो देखिए, ओवरऑल सर्विस सेक्टर में भी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडली थ्री कैटेगरीज, मान लीजिए ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला जैसे है आपका कंज्यूमर सर्विसेस, मैंने सर्विसेस फॉर कंज्यूमर्स, एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस चेंजेस कॉम्पिटिशन, नंबर ऑफ सर्विसेस आर सोल्ड टू कंज्यूमर्स। राइट, और देखिए यहीं पर आप ये समझिए कि बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, कंज्यूमरिज्म इज इंक्रीजिंग, तो जो भी सर्विसेज मैंने क्लासिफिकेशन हम बताएंगे, ये सारे क्लासिफिकेशन और सारी टाइप्स ऑफ सर्विसेज, इनमें जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है और फ्यूचर में इंक्रीज होने की संभावना है, वही सब सर्विस सेक्टर मार्केटिंग के ग्रोथ के पॉइंट्स होंगे इन इंडिया। हाँ, आपको कहोगे तो समअप भी कर देंगे। तो देखिए कंज्यूमर सर्विसेज में क्या क्या आ जाएंगी, कैटरिंग एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज, कैटरिंग एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। तो अब देखो कैटरिंग सर्विसेज का एरिया भी खूब ब्रॉड हो रहा है। अगर आप लोगों को भी, आप लोग बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं होगी, मगर फिर भी अपने बचपन की याद करो, गांव वाँव की याद करो, तो खैर आज भी हो जाता है कि कोई भी शादी भी आया, छोटा मोटा फंक्शन है तो टेंट हाउस से आके टेंट लग गया, वहां से बर्तन आ गए और खाना वाना बन गया और फंक्शन निपट गया। बोलो, अभी भी होता है सर? जी सर होता है। नहीं नहीं होता है, मगर ट्रेंड कम हुआ कि नहीं, अब ट्रेंड मूव हो रहा है काहे पर, गेस्ट हाउस लेंगे, लॉन लेंगे, कैटरर को अपॉइंट करेंगे, माने कैटरर से कैटरिंग करवाएंगे, वहां पर गांव को इवेंट मैनेजमेंट हो तो इवेंट मैनेजमेंट कराएंगे। अब ये ट्रेंड सब बढ़ रहे हैं ना? जी सर। सर क्यों? क्योंकि लोगों के पास समय भी नहीं है और लोगों के पास फिर परचेजिंग पावर आ रही है, मींस उनके पास कैपेसिटी हो रही है कि दे कैन स्पेंड, दे कैन पे फॉर इट एंड दे आर रेडी टू पे फॉर इट। समझ में आ गई बात? बोलो। जी सर। कैटरिंग एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज, देन होटल सर्विसेज, होटल्स मोटेल्स फ्लोटेल्स एंड रोटेल्स। होटल होटल बिजनेस भी इंक्लूड हो रहा है। सर ये फ्लोटेल्स और रोटेल्स क्या होता है? अरे यार कठिन कठिन तो ऐसे ही बोल गए जैसे बोल रहा था, खाना वाना बोलते हैं ना। अच्छा। खाना वाना हम सोचे सर कोई नया टर्मिनोलॉजी, हमें लगा कोई नई टर्मिनोलॉजी आई है तो हम पूछ ले आपसे। देखो ये सारी टर्मिनोलॉजी है और इसको नेट पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं इनमें हर चीज में।
ठीक है ना जी सर? हाँ, ये सब चीजें हैं, ये टर्मिनोलॉजी है। नॉर्मली टर्म यूज करते हैं होटल्स मोटल्स, आप लोग भी जैसे हाईवे पर चलते होंगे कहीं कहीं लिखा रहता होगा फला मोटल। हाँ जी सर, होटल मोटल्स तो जानते थे लेकिन होटल्स और फ्लोटल्स नहीं जानते। इसको नेट पे सर्च कर लेना, अब इस पे टाइम ना लगाओ, ठीक है? फिर देखिए पर्सनल केयर सर्विसेज, तो ब्यूटी पार्लर्स हो गए, बार्बर सैलून्स हो गए, ड्राई क्लीनर्स हो गए, लॉन्ड्रीज हो गई, डार्नर्स हो गए, गारमेंट रिपेयरर्स हो गए, या आजकल वो बुटीक्स चल गई हैं, बुटीक्स होंगे, हाँ, शू रिपेयर वाले होंगे, प्लम्बर पेंटर इंटीरियर्स ब्यूटिशियंस डेंटिस्ट प्लास्टिक सर्जन्स, ये सब हो गए ना पर्सनल केयर सर्विसेज में जी सर। कि जब आजकल, पहले तो क्या होता था कि जो टैप लगवाते थे कौन सी टैप लगती थी, आज कौन सी टैप लग रही है, महंगी वाली टैप लग रही है तो उनमें पार्ट भी खराब होते हैं, अब खराब हुए तो कौन बदलेगा उनको। अब टैप्स में भी, माने जो ये आपकी बाथरूम फिटिंग्स हैं टैप्स एटसेट्रा, इनका भी एएमसी होने लगा है, मालूम है? नहीं अरे मालूम है कि नहीं? नहीं सर। Yes, sir. किसको मालूम है? किसको मालूम है? Yes, sir, हमको पता है सर। बताओ सर, जो बड़े बड़े होटल्स हैं सर, इनमें जो है एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए जो है जितनी प्लम्बरिंग सर्विसेज है और इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज सब कुछ का एनुअल मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट है। जानते हो किसी होटल वाले को? हाँ नहीं है सर, हम तो ऐसे सर जानते नहीं स्पेसिफिक रूप से। हवाई फायर मार दिया सर? ऐसे हवाई फायर नहीं सर, मारे। अरे तो बताओ ना भैया, फिर जो बोलो उसको कम से कम सेटिस्फाई तो करो, ठीक है? वो पॉसिबल हो सकता है और करते भी हैं। हम पर्सनल लेवल पे कह रहे हैं, पर्सनल आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं जो ये फैसिलिटी दे रही हैं, सेरा है, जगुआर है, ये सब जो भी ब्रांडेड टाइप्स ऑफ ब्रांडेड बाथरूम एक्सेसरीज बनाते हैं कंपनीज है, वो सब एएमसी प्रोवाइड करती है। ये मालूम है कि नहीं? नहीं सर। ये हो रहा है, ठीक है? ये लेटेस्ट ट्रेंड बता रहे हैं आपको कि चीजें इंक्रीज कर रही हैं। ये है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। देन मेडिकल एंड सर्जिकल सर्विसेस, जनरल फिजिशियन, फिर डॉक्टर्स सर्जन्स, ये सब डील करते हैं डे टू डे नॉर्मल केसेस में। मगर यदि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हुई तो इसमें भी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है कि नहीं, मेडिकल फील्ड में भी? कि मान लीजिए छोटा मोटा खांसी जुकाम बुखार है, आप घर के अगल बगल जो डॉक्टर है सिंपल फिजिशियन उसको दिखा लिया, मगर ये प्रॉब्लम बड़ी है या नहीं ठीक हो रही है तो फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। मान लीजिए आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो कहां कराएंगे? पैथोलॉजी में। वहां पर टेस्ट कौन करेगा और रिपोर्ट कौन देगा? पैथोलॉजिस्ट देगा।
तो डॉक्टर्स में भी पैथोलॉजिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, हाँ, फिर उसके बाद आपके ब्रेन स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थीसियस्ट होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, आर्थोपेडिशियंस होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड सो ऑन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर पर्टिकुलर चीज के लिए, हर पर्टिकुलर बीमारी के लिए या बॉडी पार्ट के लिए स्पेशलिस्ट है। ठीक, तो दिस वाज रिगार्डिंग मेडिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज। अब सर्जरी करानी है तो आप सर्जन से कराएंगे, किसी एमडी से नहीं कराएंगे। एमडी तो सिर्फ दवा लिखेगा, सर्जरी वाला काम सर्जन करेगा, माने एमएस करेगा। देन हाउसहोल्ड सर्विसेज वाला पार्ट, हाउसहोल्ड सर्विसेज भी इसी से रिलेटेड है। बेबी सिस्टर्स, डिशवॉशर्स, मेड्स, मेल सर्वेंट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, गार्डनर्स, अटेंडेंट्स, प्लम्बर्स, कोक्स, सेफ्स, हेल्पर्स, ड्राइवर्स, पेंटर्स, कारपेंटर्स, प्राइवेट ब्यूटिशियंस, मसाजर्स, इलेक्ट्रीशियंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब हाउसहोल्ड सर्विसेज में इनकी जरूरत पड़ती है। देन एजुकेशनल सर्विसेज, वी ऑल वांट बेस्ट रिजल्ट इन एजुकेशन। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छे नंबर लाए। अब उसके लिए क्या है, हम लोग ट्यूटर ढूंढते हैं, कोचिंग भेजते हैं। तो आप कोचिंग के एजुकेशनल सेक्टर में भी देख लो कितना ऑनलाइन एजुकेशन और कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बायजूस है, सुना है ना, आकाश है, ब्रिलियंट है, है इस तरह की बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बोलो भाई। जी सर, जी सर है। हाँ अच्छा, इसमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट। जी सर। अब आकाश है कि नहीं है? बायजूस ने उसको बायजूस, क्या चीज, बायजूस के साथ आ गया सर आकाश, बायजूस ने ले लिया सर। बायजूस नहीं, साथ आ गया कि ले लिया, परचेज कर लिया सर बायजूस ने आकाश को। वेरी गुड शालिनी जी, लखनऊ जी? नहीं सर। हाँ तो शालिनी, तुमको कैसे मालूम ये? तो ये न्यूज में था। अच्छा, तो अभी एक चीज और बता दो, कितने में खरीदा सर? नियरली $1 billion की डील हुई थी। अरे भाई चलो ठीक है, जो तुम बता दो ठीक है, मगर आप सिंपल ये समझ लीजिए कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की वैल्यू कितनी थी, कितने में बिकी, माने कितना बड़ा सेक्टर और उस सेक्टर की एक एजुकेशनल कंपनी जिसको, या इंस्टीट्यूट कह लीजिए आप, जो कितनी महंगी बिकी। ठीक, फिर ऑटोमोबाइल सर्विसेज, माने रेगुलर चेकअप, रेगुलर सर्विसिंग, वॉशिंग, चेकिंग, ग्रीसिंग, पॉलिशिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी सब आपकी ऑटोमोबाइल सर्विसेज में आ जाता है। देन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ने हमने बताई ही आपको, टैक्सी सर्विसेज हैं, ओला उबेर सर्विसेज हैं, हाँ ये सब कंपनीज हैं।
कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, ये सब अभी कंज्यूमर वाली ही चल रही है, कंज्यूमर वाली ही चल रही, पहला क्लासिफिकेशन चल रहा है कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, कुरियर सर्विसेज हैं। अब कम्युनिकेशन में ही जैसे मोबाइल फोन सर्विसेज है, कितनी कंपनीज हैं, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, हाँ ये सब की नहीं, बीएसएनएल है, बोलो जी सर। अच्छा ये इंटरनेट वाले में एक अभी लेटेस्ट कोई केस हुआ है क्या इंटरनेट वाले में कि वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसने बुकिंग करना शुरू कर दिया था कि हम इंटरनेट सर्विसेज देंगे और अपना अपना बुकिंग कराइए, बुकिंग अमाउंट भी ले लिया था, कुछ हुआ था क्या? नहीं पता सर, पता नहीं है। हाँ बताइए 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 बताइए। मेटावर्स कुछ हुआ था सर, मेटावर्स करके क्या थी? मेटावर्स करके हुआ था सर, मेटावर्स। हाँ मेटावर्स, हाँ सर ऐसा कुछ हुआ था अभी न्यूज में। मेटावर्स क्या बता रहे हो आप कहाँ से हो सर? मैं गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से, चलो मेटावर्स क्या सुना था? मेटावर्स नहीं कुछ था सर। एक बार चेक करिएगा अपने एंड पे। हाँ एक बार अपने एंड पे आप चेक करिएगा। हम जी सर, बीबीसी में इसका रिपोर्ट हम देखे थे, इंडिया के संबंध में। इंडिया के नहीं, ग्लोबल है। अरे हम इंडिया की बात कर रहे हैं प्रभु। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा दिल्ली वगैरह से है कोई? लखनऊ से कौन था जिसने एमबीए किया हुआ है? कौन था, कोई फीमेल कैंडिडेट था, क्या नाम है? यस सर, शिखा सिंह। शिखा जी, आपने एमबीए भी किया हुआ, कब किया था? सर 2013। उसके बाद क्या कर रहे थे? देन पढ़ा रहे थे सर। और कहाँ? लाल बहादुर शास्त्री गर्ल्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। अच्छा किस जगह है ये? सर कुर्सी रोड पे, लखनऊ में है, टेढ़ी पुलिया। सर कुर्सी रोड पे? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कुछ बताएंगी? सर मेरी नॉलेज में नहीं ये चीज, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे। एनीवे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत ही इस समय बराबर वो चीज आ रही है और न्यूज में है, बहुत हाईलाइट भी हो रही है। एलन मस्क नाम सुना? जी सर सुना है। एलन मस्क नाम सुना? यस सर। तो एलन मस्क, एलन मस्क का क्या चक्कर है इंडिया में? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वो भारत में आना चाहते हैं मार्केट को, और उनको परमिशन नहीं मिली। yes. क्यों नहीं मिली? परमिशन क्यों नहीं मिली? सर टैक्स, टैक्स बचाते हैं वो। अरे पूरी बात बताया करो, आप भी जो है एक ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह आप आंसर दे देते हो। टैक्स बचाते हैं वो, कैसे बचाते हैं? सर उन पे आरोप लगा था। अरे भाई तो मैंने पूरी बात बताया करो, अगर मान लो इतना आपको मालूम है तो फिर आप इसके विषय में थोड़ा स्टडी करो, देखो क्या कारण था, क्या था, पूरा केस समझा करो कि क्या है जो कि एक्सपेक्टेड है आप लोगों से। एलन मस्क की अपनी एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका में, तो उनके अपने बहुत सारे प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं, तो वो उन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से इंडिया में भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते थे।
मगर उनका ये था कि हम यहाँ पे ना उन्होंने गवर्नमेंट से कंसल्ट किया ना गवर्नमेंट से परमिशन ली, क्योंकि परमिशन लेंगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, सारे माने जो भी लॉज है उनको फॉलो करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा लाइसेंस फी एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने इन सब को इग्नोर करते हुए यहाँ पर लोगों के बीच में फ्लोट कर दिया कि हम प्रोवाइड करेंगे और आप लोग बुकिंग अमाउंट जमा करो, तो कुछ लोगों से पैसा भी उन्होंने ले लिया और बुकिंग अमाउंट जमा कर लिया। तो जब ये गवर्नमेंट की जानकारी में आया तो गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगाई और एलन मस्क को नोटिस भेजा इसके संबंध में कि आप पैसा भी वापस करिए और आप ये ऐसा नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी सर। हाँ, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, मुझे याद आ गया तो हमने कहा आप लोगों को बता दें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज ये भी कंज्यूमर वाले में हो गए। देन इंश्योरेंस सर्विसेज, हाँ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका व्हीकल इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, हाँ तो ये सब चीजें हो गए। देन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो बैंक्स जो हैं वो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मीन्स डिपॉजिट की फैसिलिटी, आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, उनसे लोन्स भी ले सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एटसेट्रा। और अब तो प्रेजेंट टाइम में आपकी प्लास्टिक मनी भी सर्कुलेशन में है, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड कार्ड्स अवेलेबल है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग अवेलेबल है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, देन पर्सनल सिक्योरिटी सर्विसेस, ये भी कंज्यूमर ओरिएंटेड है। तो जैसे वो आपके सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं ना जो गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, बोलो जी सर होते हैं। और एक और आप लोगों ने देखा होगा मालूम होगा, एक और टर्म आजकल चला है बहुत फैशन में है सिक्योरिटी का, बताओ वो भी है सिक्योरिटी सर्विस ही मगर वो बहुत नया टर्म है, उसको सिक्योरिटी मैन नहीं कहते हैं। सिखा जी सर। आप लखनऊ बेस्ड हो? यस सर। कहाँ रहते हो लखनऊ? सर ये कुर्सी रोड के पास रहती हूँ। अच्छा, कुर्सी रोड के पास ही रहते हो? कल्याणपुर, कल्याणपुर। अच्छा अच्छा, वही मुंशी पुलिया के पास ही जाता है कुर्सी रोड वो? यस यस सर। तो हजरतगंज जाते हो कभी? नहीं। यस सर जाते। हजरतगंज में एक रॉयल कैफे है। यस सर। गए हो कभी? यस सर गए। रॉयल कैफे गए हो? यस सर। तो उसमें जब एंटर करते हो तो कौन मिलता है एंटर करते ही? सर रेस्टोरों के अंदर एंटर करते ही, क्योंकि जो रेस्टोरों में जब एंटर करते हो I think ना बताओ, कंफर्म बताओ। शॉफर सर उनका होता है और इट्स अ काइंड ऑफ अटेंडेंट समथिंग होते हैं वो। अबे दरवाजा जो खोलता है या आपने दरवाजा खोल के जैसे ही एंटर किया तो जस्ट बगल में कौन खड़ा मिलता है? जी भैया राम राम। सर कभी मैंने याद नहीं है देखा, मुझे याद नहीं है सर। आई थिंक शोफर होते हैं वहां पे। शोफर तो ड्राइवर को बोलते हैं, शोफर जो है वो ड्राइवर को बोलते हैं। सर आई हैव नो आइडिया बिकॉज़ हम लोग जब इंटर करते हैं उसके बाद सीधे अपनी जहां हमको बैठना होता है वहां बैठ जाते हैं। आई हैव नेवर ठीक है, मगर जो चीज हम बताना चाह रहे हैं वो चीज पर नजर जरूर पड़ी होगी। सर आप याद दिलाएंगे तो जरूर याद आ जाएगा। एक काला कपड़ा पहने हुए, सर पे काला कपड़ा बांधे हुए, बहुत लंबा चौड़ा एक आदमी मोटा सा रहता है, खड़ा रहता है। बाउंसर सर? हैं बाउंसर?
तो बोलियो अब याद आ गया तुमको? सर एक्चुअली बाउंसर्स भी जनरली नो अबाउट दी जो क्लब्स वगैरह होते हैं वहां पे ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वहां बाउंसर्स भी होते हैं। अरे होता है भाई, हम डर गए थे जब हम एंटर किए थे। तो हो सकता है सर क्योंकि क्लब्स में पहले से बाउंसर्स होते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट एरिया में भी बाउंसर होने लगे ये मैंने नोटिस नहीं किया। सलमान खान के साथ भी बाउंसर चलते हैं है ना, सेलिब्रिटीज के साथ भी बाउंसर चलते हैं। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि सिक्योरिटी का ट्रेंड भी देखिए चेंज हो रहा है। फिर वही चीज आ गई, इंडिया में चेंजिंग ट्रेंड्स, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ, सर्विस सेक्टर का फ्यूचर, कि अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी स्टैंडर्ड करके सिक्योरिटी एजेंसी है, और भी लोकल बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कि गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें ट्रेंड क्या आ गया, सिक्योरिटी एजेंसीज और छोटे मोटे शॉर्ट हाइट वाले और मैंने उस टाइप के गार्ड नहीं, चौकीदार टाइप के गार्ड नहीं, अब स्मार्ट सिक्योरिटी मैन जिनको बाउंसर्स बोलते हैं, अब ये ट्रेंड है। देखा सब लोगों को, मैंने याद आया, होता है ये कि नहीं? यस सर याद आ गया। हाँ समझ में आया हमारे कहने मतलब, ये हम भी मेहनत करें, तुम लोग भी समझो भाई। तो पर्सनल सिक्योरिटी सर्विसेज, अब देखिए सेकेंड कैटेगरी आई इंडस्ट्रियल सर्विसेज। पहला क्या था, सर्विसेज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, दूसरा क्या आ गया, सर्विसेज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल सर्विसेज में क्या क्या कॉमन सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो जैसे प्लांट मशीनरी वगैरह से रिलेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, वेयरहाउसिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन सर्विसेज, ऑफिस सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, मार्केटिंग रिसर्च सर्विसेज, मैन पावर सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, मिडिलमैन सर्विसेज, अगेन कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो ये सब आपकी इंडस्ट्रियल सर्विसेज आ गई। तो इनमें से कोई अगर एक्सप्लेन करना हो तो बताओ, अदरवाइज सिंपल चीजें हैं, अगर कोई एक्सप्लेन करना हो तो बताओ। नो नो सर। चलो अब देखिए आया पार्ट आपका मार्केटिंग सर्विसेज। तो मार्केटिंग सर्विसेज में देखिए कि टेकिंग द ब्रॉड, अगर आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ले प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट ओनली प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज, माने प्रोडक्ट एंड सर्विस कंपोनेंट्स। मींस व्हेनेवर मार्केटर टॉक अबाउट प्रोडक्ट, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। राइट, अब मार्केटिंग सर्विसेज में क्या आ गई, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज आ गए। हाँ राइट, तो मार्केटिंग सर्विसेज हो गई। अब इसी में आप लोग समझ लो, और मार्केटिंग सर्विसेज में क्या है, जो भी डिलीवरी सर्विसेज है, जैसे आपकी ये जोमैटो सर्विस है, जोमैटो है यस सर। और हम समझ रहे हैं शायद सब जगह पर वो सर्विस, जैसे लोकल यहाँ पर वो स्विगी भी चलता है, स्विगी भी है, स्विगी है सर। हाँ उसी तरह से वो मैकडॉनल्ड्स की भी सर्विसेज हैं, है ना। तो इस तरह से ये सब सर्विसेज हैं। तो अगर आप देखें
कि ठीक है, तो ये सब आपकी मार्केटिंग सर्विसेज हो गई, मींस सर्विसेज फॉर प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, अगर आप देखें कि व्हेन इंडस्ट्रीज आर डेवलपिंग, कंज्यूमरिज्म इज डेवलपिंग, तो लोगों की माने हमारी इकोनॉमी भी डेवलप कर रही है, हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, हमारी इनकम भी बढ़ रही है, तो हमारी नीड्स भी बढ़ेंगी, तो फ्यूचर इज ब्राइट फॉर सर्विस सेक्टर इन इंडिया, राइट। तो अब देखिए, आप लोगों के इस यूनिट में सिर्फ एक चीज बची है, वो बची है प्रॉब्लम्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग। देख लो ये लास्ट पार्ट यही बचा ना, बाकी सब हो गया कि नहीं हो गया हमें ये बताओ, बोलो जी सर। ऑब्स्टेकल्स यही प्रॉब्लम्स वाला रह गया है ना, ऑब्स्टेकल्स वाला सिर्फ बचा, बाकी सब हो गया ना। यस सर। अच्छा, तो अब ऑब्स्टेकल्स हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑब्स्टेकल्स में हम पॉइंट्स बताते जा रहे हैं जो हमें समझ में आए, वो आप लोग चाहो नोट कर लो। तो जैसे पहला ऑब्स्टिकल है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कि सर्विसेज कैनॉट बी डिमोन्स्ट्रेटेड, माने इनको डिस्प्ले नहीं कर सकते, इनका डिमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, शोकेस में नहीं लगा सकते इनको, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि सेल्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, तुरंत हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्शन करके पहले रख लो, तो माइट भी जिस समय डिमांड है उस समय उतना सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध ना हो, तो वही चीज वहां पर भी हो जाएगी, डिमांड सप्लाई रूल आ जाएगा, रेयरिटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लो बहुत लोग ओला सर्विसेज यूज करते होंगे, तो कभी कभी किसी एरिया में आप कितनी बार ट्राई करते रहते हैं, 15-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे, आपको कहीं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, कि कोई आसपास कोई खाली टैक्सी है ही नहीं जो आपको मिल पाए, फिर काफी देर बाद आपको मिलती है, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। हाँ, देन थर्डली सर्विस कैनॉट बी स्टोर्ड, ये हम बता चुके हैं पहले भी, इसका हम स्टोरेज नहीं कर सकते, स्टॉक नहीं कर सकते, एंड इट कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। मतलब क्या हुआ कि भविष्य में इतनी डिमांड होगी, इसके बेसिस पर हम उसका प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते और ना उसको स्टोर कर सकते, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। देन सर्विसेज कैनॉट बी प्रोटेक्टेड थ्रू पेटेंट्स, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब होता है ना, तो सर्विसेज का पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक। देन नेक्स्ट ऑब्स्टिकल क्या है कि सर्विसेज कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, जैसे प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चरर से अलग हो जाता है और उसके बाद कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, मगर सर्विसेज के केस में ये नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस दोनों एक साथ ही रहेंगे, सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते, एम आई राइट? जी सर। हाँ, संख्या धीरे धीरे गिनती जा रही, टोटल कितने लोग हैं बैच में? 44 तो कभी भी नहीं उपस्थित हुए, 44 अटेंडेंस तो कभी आई नहीं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, सर्विस प्रोवाइडर्स अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज, मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर है
कंपनी है बड़ी कंपनी, तो वो अपने लोकल एरिया में फ्रेंचाइजी दे सकता है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी दे तो देगा, मगर वो इस चीज के लिए कभी कभी प्रॉब्लम आ जाएगी कि उसकी जो फ्रेंचाइजी की क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी वो माइट बी कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ना हो या उससे थोड़ी बिलो हो, ये प्रॉब्लम आ सकती ना। जी सर। तो दीज आर सम ऑब्स्टिकल्स, हो गए 5-6 पॉइंट हो गए ना। जी सर। हाँ, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स इन सर्विस मार्केटिंग। तो आई थिंक योर दिस यूनिट इज ओवर, सर्विस मार्केटिंग वाला पार्ट हो गया कि कुछ रह गया? हो गया सर। हो गया, आप जान बचा रहे हो आशीष यार तुम। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें लग रहा है कि तुम लोग जान बचा रहे हो, ठीक है, हम पे बाद के बाद नहीं लेंगे क्लास, अब खत्म काम अपना। अरे नहीं सर। और क्या, तुम लोग कोई समझे नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि हम जबरदस्ती तुम लोगों को पकड़े बैठे। अरे नहीं सर, आप पूछे कि हो गया तो हम बोल लेते मतलब कंप्लीट हो गई है। चलो, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हमारे हिसाब से आज ठीक रहा होगा, आप लोगों को मैटर पूरा मिला होगा। जी सर। जी सर। हाँ। तो सेटिस्फाइड है? जी सर। जी सर।